यातायात पुलिस रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फिर से ई चालान जारी करे, जिस पर ITMS कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया, कोविड-19 संक्रमण काल में विगत 9 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान शहर में यातायात का दबाव काफी कम था, साथ ही यातायात पुलिस रायपुर द्वारा वाहन चालकों पर ई चालान जारी करना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन खुल जाने पर शहर में यातायात का दबाव काफी अधिक हो गया है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। किंतु लॉकडाउन में हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था, अब उसको हम लोगों ने पुनः चालू कर दिया है। और जो भी व्यक्ति चाहे हेलमेट नहीं पहनेगा, 3 सवारी चलेगा, स्टॉप लाइन का पालन नहीं करेगा, रश ड्राइविंग करेगा, रॉन्ग साइड चलाएगा वहां, तो ऐसे वाहन चालकों को हम लोग ई चालान उसका जनरेट करेंगे और NIC के माध्यम से उसको भेजा जाएगा, उसको SMS किया जाएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से उसको सूचना दिया जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उसको ऑनलाइन फाइन पटाने की सुविधा भी उपलब्ध कराया है, जो अपने